AEGV नाइफ एज गेट वाल्व। गेट वाल्व टाइप के अंतर्गत आने वाला ये वाल्व है। जैसा कि इसके नाम से आप देख रहे हैं, नाइफ एज है, मतलब इसके नाम की स्टार्टिंग में ही नाइफ एज गेट वाल्व है। नाइफ का मतलब चाकू होता है और एज का मतलब धार होता है। यानी कि इस वाल्व को आप देख के ही पहचान सकते हैं कि इसके गेट में जो किनारा होगा, इसका एज होगा, वो बिल्कुल चाकू के धार जैसा दिखेगा। इसलिए भी इस वाल्व को नाइफ एज गेट वाल्व कहते हैं। और इस वाल्व को हम वहाँ प्रोवाइड कराते हैं जिस लाइन में हमें हाई टेम्परेचर, ड्राई या वेट फ्लूड्स, ड्राई एस, एब्रेसिव स्लरी, पल्प स्टॉक, सेमी सॉलिड्स का फ्लो को रोकना होता है या फ्लो को कंट्रोल करना होता है। इस वाल्व का उपयोग स्टील प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जैसे कई इंडस्ट्रियों में इनका प्रयोग किया जाता है। अगर हम KEGV के कंस्ट्रक्शन और इसके बनावट और इसके बॉडी पार्ट्स की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये KEGV का ये गेट है जो कि एक स्टेम से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बोल्टेड किया है। इसके बाद ये इसका स्टेम है। ये स्टेम एक ड्राइव बुश या स्टेम नट कह लें, उसके साथ ये अटैच होता है। जो ब्रास का आप देख रहे हैं हल्का येलो कलर की शाइनिंग करता हुआ, ये इसका स्टेम नट है। ये पूरा स्टेम व्हील रुका होता है, स्टेम अप डाउन होता है। इसका एज आप देख सकते हैं, बिल्कुल चाकू की तरह धारदार होता है। और ये स्टेम के थ्रू अप डाउन होता है। यहाँ पे ग्लैंड टॉप अप किया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ग्लैंड टॉप अप करने का जगह दिया होता है। और ये बोल्टेड टाइट करके उसको मतलब पुश कर देता है ताकि कोई भी मटेरियल बाहर की तरफ लीक ना करे, उसको रोक के रहता है। उसके बाद अगर हम इसको ऑपरेट करके देखें तो ये जैसे जैसे इसके व्हील को घुमाएंगे, स्टेम जो ड्राई बुश लगा है वो ड्राई बुश इसको आगे की तरफ, स्टेम को आगे या पीछे की तरफ मूव कराएगा। व्हील वहीं रहेगा, इसमें स्टेम अप मतलब अप और डाउन होगा। यहाँ पर अपना KEGV 100% क्लोज हो गया। अब इसको जैसे ही इस व्हील को फिर घुमाएंगे ये ओपन होता जाएगा। ये अभी 100% क्लोज कंडीशन में है। ड्राइव बुश आप यहाँ से पीछे से देख सकते हैं, इस जगह तक मतलब ड्राइव बुश फिट रहता है जो कि स्टेम को ऊपर और नीचे चढ़ने में मदद करता है। इसके बनावट को देखने के बाद अब हम ये जानेंगे कि इसको ऑपरेट किन किन तरीकों से कर सकते हैं। तो इसे हम मैकेनिकली, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिक तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि KEGV को इस वीडियो के द्वारा मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं, तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, ज़रूर कर दें। और भी वाल्व के बारे में जानने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ज़रूर देख लें।